पिछड़े अपन बात करने वाले राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती के अंदर जो आपके अलग अलग पोस्टों के अंदर वैकेंसीज निकली हुई थी 2300 के आसपास, उनकी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। क्या आपके सभी का इसमें इंतजार खत्म हो गया है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है? और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम डेट्स आई है वो केवल टेक्निकल पोस्ट की आई है, जैसे आपके IN, JN, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट या फिर आप अकाउंट्स ऑफिसर, इनकी पोस्ट के लिए ही आपकी एग्ज़ाम डेट आई है। और बाकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है जैसे LDC, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर या फिर JLO, उनकी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो उनका एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की जो कि जारी किया गया है। तो यहाँ पे अपन देखें एग्जामिनेशन शेड्यूल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, IA, इनकी एग्जाम डेट्स यहाँ पे जारी कर दी गई जो कि 4, 5, 6, 9, 10 और 12 सितंबर को रखी गई है 2021 में। यहाँ पे अपनी पोस्ट देखिए, उसके आगे डेट क्या है आप देख सकते हैं, कौन सी शिफ्ट में आपका है, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून। और साथ ही साथ जो है टेक्निकल पोस्ट है उसमें एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम डेट नहीं आई है, तो उसकी जो है बाद में नोटिफाई की जाएगी। आप यहाँ पे नोट नंबर 1 पे यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो बोर्ड की वेबसाइट पे यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, सभी जो विद्युत निगम से उनकी वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे। जो भी अगर कुछ चेंजेस होता है COVID-19 के कारण या फिर कुछ भी और अदर रीजन के कारण, तो वो बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इनके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि आप किस तरह से तैयारी करेंगे, और उसके बाद अपन बात करेंगे तो आपके कमर्शियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट और JLO की वैकेंसीज है, उनकी एग्जाम डेट कब तक आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे देखिए आपके इन्हीं पोस्ट के एग्जाम डेट भी आई है, IN, JN, अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, इन्हीं के आपके एग्जाम डेट आई है। क्योंकि आपके दो नोटिफिकेशन आए थे, एक टेक्निकल पोस्ट के लिए और नॉन टेक्निकल। तो अभी टेक्निकल पोस्ट के नोटिफिकेशन के एग्जाम स्कीम यहाँ पे आप देखिए, नीचे जो आपके है प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, आपके पार्ट दो पार्ट में रहेगा आपका पेपर। पार्ट ए में आपकी जो टेक्निकल पोर्शन है वो आएगा, इसमें 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, और इसका 60 मिनट अलग से रहेगा। और ये 60 मिनट जैसे खत्म होगा आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी में आपके रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश और मैथ आएगी। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, रीजनिंग और मैथ में 8-8 नंबर, हिंदी इंग्लिश में भी 8-8 क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के। और यहाँ पे जो GK आपका राजस्थान का 36 नंबर का आएगा, और जो इंडिया का GK, वर्ल्ड का GK और साइंस है वो 12 नंबर का यहाँ पे आएगा। और पार्ट बी है वो ओमनिबस टाइप का होगा, मतलब इसमें सेक्शन नहीं होंगे, आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब रीजनिंग, मैथ, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन डिवाइड नहीं होंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। और बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग है आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे, और आप 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, और आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों पोर्शन के लिए, और 60-60 मिनट अलग अलग रहेगा। ये 60 मिनट में आप केवल इन 60 क्वेश्चन को ही कर पाएंगे, और ये 60 मिनट में आपको ये 80 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह से दिया हुआ है। अब बात करते हैं आपके जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट सेकेंड बोले, इनकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो इनका जो स्कीम आई थी आपको पता होगा, ये स्कीम थी इन पोस्टों के लिए, और जो LDC और मतलब जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की ये स्कीम थी, ये आप देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। इन्हीं के नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है कि इनके एग्जाम कब तक होगी। तो यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन डेट्स विल बी फाइनलाइज डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। तो अभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स, मतलब जो ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, आपको पता होगा IBBS एग्जाम लेता है, तो इनकी सेंटर्स की अवेलेबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ डेट ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, मतलब अदर जो एग्जाम हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, उनके डेट्स भी क्लैश नहीं होनी चाहिए, वरना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अभी राजस्थान के अंदर आपको पता होगा लगभग सभी एग्जाम्स की डेट जारी कर दी गई है। अगस्त महीना तो पूरा बुक है SSC के अंदर, SSC, CHSL और CGL के एग्ज़ाम चलेंगे। और सितंबर में भी जो आपकी टेक्निकल पोस्ट है उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, जैसे 4, 6, 9, 10, 12, उसके बाद आपके SI का एग्ज़ाम होगा, RPSC SI का 13, 14, 15 सितंबर को, और उसके बाद आपका जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो हो रहे हैं, और उसके बाद आपका रीट का एग्ज़ाम है 26 सितंबर को। तो सितंबर महीना आपका पूरा बुक है। अक्टूबर महीने स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर सितंबर लास्ट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं रीट के एग्ज़ाम के बाद। अब आप यहाँ पे देखिए, आज की डेट पे ये SSC ने भी जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें देखिए CGL के स्किल टेस्ट है वो 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक चलेंगे, JN के एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर को होगा, MTS का एग्ज़ाम है जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रहेगा। तो आपके इन डेट्स के बीच में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है SSC का, MTS का एग्ज़ाम, तो इन डेट्स के बीच में आपका नहीं रह सकता है। मतलब आपका 5 अक्टूबर से पहले पहले और 26 सितंबर के बाद आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं होता तो फिर आपका 20 अक्टूबर के बाद होगा, और 20 अक्टूबर के बाद आपके राजस्थान में पटवार का एग्ज़ाम है, तो
तो अक्टूबर लास्ट में भी नहीं होकर फिर आपका अक्टूबर बाद में हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपकी पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि 26/9 से लेके 5/10 मतलब 5 अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम सेंटर्स खाली रहेंगे, तो इन बीच में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो आपके जूनियर अकाउंटेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, JLO और जो भी अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह पोस्ट है जो नॉन टेक्निकल, उनके इन बीच में हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।